तो हेलो दोस्तों, आ चुका फिर आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो था। दोस्तों YouTube तरफ से बहुत ही दो न्यू अपडेट आ चुके हैं, दोनों आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये दोनों अपडेट के बारे में जानकर। दोस्तों एक अपडेट के बारे में तो बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन जो एक अपडेट है वो अभी भी तुरंत आया है, जो इस अपडेट के बारे में कोई भी इस पर वीडियो नहीं बनाया है। तो इस वीडियो में जानेंगे दोनों अपडेट के बारे में, ये कौन कौन से दो न्यू अपडेट है। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि कौन कौन से दो न्यू अपडेट हैं। दोस्तों ये अपडेट है, पहला अपडेट है वह है कि स्टोरी को लेकर जो है आपको सभी को पता है, अगर आपका 30,000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो आपको YouTube की तरफ से स्टोरी टैब मिल जाता है, और स्टोरी टैब से आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ता है, स्टोरी टैब जो है ग्रो करता है। वो कैसे दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको जो सब्सक्राइबर नहीं किया जाता है, सब्सक्राइब नहीं किया जाता है, उसके पास भी आपका जो है स्टोरी टैब अब जाता है, यानी कि स्टोरी टैब जो है ग्रो करता है, इससे आपका सब्सक्राइब भी बढ़ जाता है। इसमें जो है एक नया जो है एक अपडेट है, वो अपडेट है आप जो है पहले आप खुद से ही क्रिएट करके वीडियो इसमें जो है स्टोरी लगाते थे, लेकिन अब जो है आप किसी का भी मतलब फोटो वोटो जो है होता है कि जो मतलब जो लोग को पसंद आए, आप कोई भी फोटो यहाँ से आप इसमें अब ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और दोस्तों आप चलिए बताते हैं कि जो है अब दूसरा अपडेट वो कौन सा है। दोस्तों ये दूसरा जो अपडेट है ये है कि YT स्टूडियो को लेकर। दोस्तों आप YT स्टूडियो में जैसे आप एनालिटिक्स पर जाते हैं, और यहाँ पर जैसे ही आपको रियल टाइम जो है यहाँ पर व्यू दिखाता है 48 घंटे का, तो जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले इस तरह का जो है इंटरफेस आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब जो है आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यानी कि 48 घंटे में आपको जितने भी व्यूज मिले होंगे यहाँ पर आपको शो करेगा। और यहाँ पर जैसे आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में आपको कितने व्यूज मिले हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे होगा, और वीडियो भी आपको नीचे साइड में दिखाई दे होगा किस वीडियो पर आपको कितना व्यूज जो है मिल रहा है। दोस्तों ये अपडेट जो है बहुत ही अच्छा अपडेट लगा, तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने का मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।